हेलो प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार ये प्रभु की सुबह है, मिलकर इसमें संगति करेंगे। आमेन। आई बिलीव आज की सुबह आपकी एक नई शुरुआत की सुबह जरूर है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक की शुरुआत करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक जो है, मैं हमेशा चैप्टर पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना पसंद करता हूँ, और इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता तो चले कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। ये सारे सवाल आपके लिए ज़रूरी हैं। जब जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो हम परमेश्वर के साथ उसकी महिमा को अनुभव करते हैं, करते हैं कि नहीं। सारे लोग इस प्रोग्राम को रोज़ सुनते हैं, और मैं, मेरे लिए ये वही लोग, यानी कि आप लोग मेरे लिए एक प्रेरणा है। मैं रिकॉर्ड करूं, तैयार करूं, मेरे साथ और भाई लोग हैं वो भी इस प्रोग्राम को तैयार करते हैं, और जब ये प्रोग्राम आपके लिए प्रोडक्शन में आता है, मतलब आप जब इसे सुनते हैं, तो आप उससे उत्साहित होते हैं। यही मेरी सेवा का प्रतिफल है। न केवल आप, बल्कि मैं खुद भी सुनकर उत्साहित होता हूँ, वही प्रोग्राम जो मैंने रिकॉर्ड किया है। वाकई में परमेश्वर का वचन हर बार एक नया रेमा, एक और नई आवाज़ परमेश्वर की ओर से हमें देता है, ताकि हम उसे समझ पाए, एहसास करें। यिर्मयाह वॉज नोन एज अ वीपिंग प्रॉफिट, ऐसा भविष्यद्वक्ता जो रो रहा है अपने लोगों के लिए। वैसे ऐसा स्वभाव बहुतों का होता है। जब मैं किसी को देखता हूँ, किसी की आवश्यकता, नीड और ऐसी चीज़ें, तो मेरी आंखें भर जाती हैं। एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर पीपल, पर कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ, और कभी कभी मैं खुद अपने आप को रोकता हूँ, नहीं, इनको अपने आप के लिए लड़ने दीजिए, करने दीजिए। पता क्या है, हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग रीति से देखिए, जब हम कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं, कभी कभी हम लोगों को अपाहिज बना रहे हैं, पर कभी कभी हम वाकई में लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़कर खड़े हो जाएं। एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे विवाह समय मुझे कुछ नहीं मिला अपने ससुराल से, पर जो छोटी छोटी चीज़ें मिली मुझे, वो चीज़ें, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवेश से आता हूँ जिसमें दहेज है ना, इसको निषेध मानता हूँ मैं, मेरा परिवार भी। दहेज लेना और मांगना दोनों ही बुरा हम समझते हैं, फिर भी मैंने बहुत समय के बाद अनुभव से सीखा कि वाकई में जब माँ बाप, परिवारजन कुछ इकट्ठे होकर नए दंपत्ति को, यानी कि जो इनकी शादी हो रही है, उनको कुछ देते हैं। मुझे मेरी शादी में टीवी नहीं मिला, ओके, था भी नहीं, वो हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मतलब मैं जिस घर में रहता था वो एक तरह से भूत बंगला था, ओके। एंड जब मैं, टीवी नहीं था तो मैं टीवी के लिए, मैं, मेरी पत्नी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मुसीबत में। हमारे घर में कूलर नहीं था। मैं आपको बताऊं कि कूलर जो नहीं था, कूलर का एहसास भी नहीं था मुझे कि कूलर वाकई में कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़रूरी है, ये कितना ज़रूरी। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो बहुत परेशान थी। प्रेगनेंसी में महिला को बहुत ज़्यादा यू नो फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस उसके लिए बहुत, ना तो मुझे ना मेरी पत्नी को ये एहसास था कि हमें इस गर्मी में कूलर का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। ये राजस्थान है मेरे प्रियो, यहाँ की गर्मी आपको पता है कितनी खतरनाक है। पर जब ये कूलर हमें किसी ने गिफ्ट दे दिया, इस कूलर के आने के बाद पता है मेरे मुँह से ये निकला, ओ इतना आनंद मिलता है कूलर के सामने बैठने से। दैट हाउ आई एक्सपीरियंस, इफ समवन इज सपोर्टिंग समवन, कोई किसी को सपोर्ट कर देता है, तो हम उसे पुश कर रहे हैं, उसे मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर इस रीति से हम किसी की मदद करते हैं तो बहुत बेहतर है। और यही बात लोगों के मन में ना, वेदनाएं, प्रेरणाएं, किसी के लिए जो हमारी सद्भावनाएं हैं, ये हमारे व्यवहार को और उनके जीवन को बढ़ाती है। लेकिन ये इसके लिए बहुत जो है, हमें कैसा रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, ताकि हम सही तरीके से सही व्यक्ति की मदद करें, और वो मदद उसके लिए एक जरिया बनना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, ना कि वो उस मदद का आदि बन जाए। कुछ लोग इस मदद को कभी समझ नहीं पाते, वो हमेशा लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। चर्च में भी बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, वो भी दे दे, वो बाजू वाला रखा है वो भी दे दे, लेकिन परमेश्वर को वो खुद अपने आप को देना नहीं चाहते। दैट्स द सीरियस। यहाँ पर आज जो हम बुक पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, इसमें मैं इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका पढ़ूंगा। यह है BSI बाइबल, यानी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अगर बाइबल आपके पास है तो पेज नंबर 887 पर है भूमिका, यिर्मयाह नामक पुस्तिका जो है, पुस्तक, इसमें भूमिका जो है उस पर पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें ना होती तो बहुत मुश्किल होती मेरे प्रियो। आइए पढ़ते हैं।
भविष्यद्वक्ता यर्मिया ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। अपने इस लंबे सेवाकाल के दौरान उसने परमेश्वर की प्रजा को महाविपत्ति पड़ने की बार बार चेतावनी दी, जो उस जाति के मूर्ति पूजा के कार्यों और पापों के कारण आने वाली थी। वह अपनी इन भविष्यवाणियों को पूरी होते हुए देख पाया। यर्मिया भविष्यद्वक्ता वो है, देखिए, जो यर्मिया में 7वीं और 6ठी शताब्दी की पूर्व जो है उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, यानी कि ये जो 8 दिशाएं समझ में आती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद में जो बीच की जो दिशाएं बचती हैं, ये उस दिशा की बात हो रही है। ओके, वहां पर यहां ये घटना जो घट रही है, यर्मिया भविष्यद्वक्ता ये सब कुछ अपने आंखों से देख पा रहा है। ये 100 ईयर्स का जो टाइम है ना, ये तो ये इसको देख रहा है, उसे समझ रहा है, उसे उसे वो एहसास कर रहा है। जो उसने भविष्यवाणियां की, वो उन भविष्यवाणियों को वो पूरे होते देख रहा है। यशा भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणियां उसके समय में पूरी हुई, यर्मिया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणियां उसके समय में पूरी हुई। कुछ भविष्यवाणियां आज हमने पूरी होती देखी हैं और अभी हो रही हैं। पर कई बार प्रचारक ये प्रचार करते हैं कि ये भविष्यवाणी तब अधूरी रह गई थी, अब प्रचार अब यहां पूरी हो रही है। कई बार उनका प्रचार करने का अर्थ ये निकलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रचार जब आप करते हो, यानी कि जब आप अपनी बात को, वो प्रेरणा को जब आप लोगों के सामने रखते हो, देखो, जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रचार करते हो ना आप, तो लोग सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और लेते हैं, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा प्रेरणा है। कई बार ये वाकई में होता है कि आपकी तैयारी ही है, मतलब आपने जो अध्ययन किया है, तैयारी की है, वो आप लोगों को बांटते हो। दैट इज ऑल्सो ओके, हैपन्स, होता है। पर इस तैयारी में इतना अधूरा नहीं होना चाहिए कि आप अपना मैसेज सामने वाले को अच्छी रीति से समझा ना पाए। आपने मुझे बोलते सुना होगा, मैं जब जब बोलता हूं तब मैं बोलता समझा ना पाए, मतलब ये बोलने के पीछे मेरा एक रीजन है। मैंने अपने स्टडीज में सीखा है कि जब हम बात करते हैं तो मेरे शब्द चबा कर मेरे मुंह से ना, ऐसे शब्द आने चाहिए जो साफ साफ सुनाई दें। ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल रहा हूं और सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा हो। मुझे वीडियो की क्वालिटी से ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी की चिंता होती है, क्योंकि अगर ऑडियो अच्छा नहीं होगा तो आप ठीक से मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, और अगर आप मेरी बात ठीक से नहीं सुन पाएंगे तो आपका ध्यान नहीं होगा, और अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे मैसेज को। सो मैसेज शुड बी क्लियर, बिल्कुल साफ होना चाहिए, तभी इतनी सारी, इतनी बड़ी बुक आपकी और मेरे पास है, परमेश्वर का संदेश जो है वो आप तक पहुंचे। अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अलग अलग रीति से परमेश्वर ने बात की है। आओ सुनते हैं। लिखा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये जो समय है समझना जरूरी है, यर्मिया भविष्यद्वक्ता कौन से समय में था, ताकि आप समझ पाए कि जब राजाओं के साथ जो घटना घट रही है वो कौन से समय में हुई और यर्मिया कहाँ था उस समय। अगर आप ध्यान दें तो आगे लिखा है, ये चौथी लाइन में, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम की पराजय, नगर एवं मंदिर का सत्यानाश होना, यहूदा के राजा तथा बहुत से अन्य लोगों का बेबीलोन की बंधुआई में चले जाना। उसने पहले से यह भी बता दिया था कि अंत में लोग बंधुआई से वापस लौटेंगे और देश पुनः बसाया जाएगा। यर्मिया भविष्यद्वक्ता ने यह सारी बातें बता दी क्योंकि उसने परमेश्वर से प्राप्त की। रविवार को जब प्रचार कर रहा था, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इज कॉल्ड रिपेंटेंस, यानी कि पश्चाताप। पश्चाताप शुरुआत की पहले अध्याय यशा की पुस्तक से, और उसमें 11-12 वचन अगर आप देखें तो कहा कि परमेश्वर का वचन यशा के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा? सवाल यह है, यशा के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि यशा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बैठता था। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बैठे हैं क्या? That's the question. You need to ask yourself, क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बैठा हूं? Sometimes we say that, yes, मैं बैठा हूं, मैंने कुछ नहीं सुना। ठीक है, अगर आप हिजकिया की कहानी पढ़ेंगे ना, तो राजा हिजकिया और यशा के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था, गुरु चेला कह सकते हैं, बहुत अच्छा आत्मिक रिश्ता था। जब हिजकिया पर समस्या आई तो उसने यशा से पूछा कि यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या कहता है, इमीडिएट आंसर कभी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना है और वो योजना समय पर पूरी करेगा।
बिल्कुल समय पे करेगा। डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल रिसीव आंसर फ्रॉम गॉड इमीडिएटली। सम टाइम यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली व्हेन इट इज रियली नीडेड। गॉड विल प्रोवाइड यू, गॉड विल स्पीक टू यू, गॉड विल गिव यू, ईदर ही विल गिव यू डायरेक्टली टू योर सेल्फ, शायद वो आपको सीधा देगा, मे बी ही विल यूज समवन एल्स, मे बी ही विल यूज मी, और मे बी ही विल यूज द पास्टर इन योर चर्च और एनी अदर पर्सन। परमेश्वर अपना संदेश आपको देगा और ऐसा देगा कि जिसे आप अच्छी रीति से समझ सके। ये जरूरी है मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर कभी कोई भी काम छुपा कर या जंगल में या कोने में नहीं करेगा। हम कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। परमेश्वर को जो करना है वो सबके सामने करेगा और खुलकर करेगा, ताकि हमें पता हो कि हमारे लिए कौन कर रहा है। इसराइलियों को देखो, इसराइलियों को याद दिला, देखो मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े 10 चमत्कार किए, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या तुमने वो नहीं देखा? क्या तुमने रोटी नहीं खाई? क्या तुमने ये नहीं किया? क्या तुमने वो नहीं किया? तुम्हारे सामने है ये सब चीजें। आई हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दिया है। ये बातें खुद परमेश्वर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर उन्हें चाहता है कि वो जान ले, देख ले, पहचान ले कि तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। और यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया है, वो भविष्यवाणी किस लिए है? क्योंकि अगर आप पहले देखें, 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, वह अपने इस लंबे सेवा काल के दौरान उसने परमेश्वर की प्रजा को महाविपत्ति पड़ने की बार बार चेतावनी दी, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा ने क्या है, परमेश्वर का निरादर किया था। और मैं इसका पैराग्राफ अगर आप देखें भूमिका का, आगे लिखा है, यर्मिया की पुस्तक को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसमें टोटल 5 भाग है। उनमें से पहला भाग यर्मिया का बुलाया जाना, मीन्स कॉलिंग जरूरी है। मतलब कैसे पता चले कि हाँ भाई ये सही है, ये वाकई में है, बुलाहट है कि नहीं, तो यहाँ वो बुलाहट के बारे में बात है। फिर उसमें दूसरा जो भाग है वो है योशुआ, योयाकीन और सिदकिया राजाओं के शासनकाल में यहूदा देश और उसके शासकों को परमेश्वर की ओर से दिए गए संदेश। जो परमेश्वर ने संदेश दिए थे इन राजाओं को, उन संदेशों का जो है दूसरे भाग में होगा। तीसरा भाग लिखा है यर्मिया के मुंशी बारूक के विचार, जिसमें यर्मिया की कई भविष्यवाणियां और उसके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं सम्मिलित हैं। तीसरे भाग में बारूक लिख रहा है, बारूक बता रहा है यर्मिया के बारे में जो उसने देखा है। बहुत सारी बातें यर्मिया की रिकॉर्ड नहीं की गई, बट बारूक इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट, क्योंकि बारूक ने जो चीज देखी है वो उसके बारे में चर्चा करा। चौथे भाग को देखें, देखा विभिन्न विदेशी राज्यों से संबंधित परमेश्वर के संदेश। जब परमेश्वर किसी से बात करता है तो किसी एक जगह के लिए नहीं कर रहा। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने केवल इसराइलियों की भलाई की है, बाकी सबको मारा है, सबको सत्यानाश किया है। नॉट एग्जैक्टली, दैट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता दिया है ताकि जो को उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। तो जब जगत की बात हो रही है तो केवल नए नियम में परमेश्वर जगत से प्रेम नहीं कर रहा है, उसका प्रेम पुराने नियम में भी है। इसलिए आदम को कहा, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ और इस पर अधिकार रखो, यू हैव राइट टू टेक ओवर ऑल द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने दिया, मतलब दुनिया पर हर एक इंसान परमेश्वर का है। 6 अध्याय में जेनेसिस में परमेश्वर ने कहा, मनुष्य जो कुछ सोचता बुरा ही सोचता है, इसलिए मैं नाश कर दूंगा, पर एक फैमिली को रखा कि इससे फिर से पृथ्वी बनेगी। गॉड लव पीपल, राइट? अच्छा, अगर नोटिस करो तो 120 साल लगभग लगते हैं नूह के जहाज को बनने के लिए। ये 120 साल इसलिए लगे, इसलिए नहीं कि उनके पास टूल्स नहीं थे जहाज बनाने के लिए। जब परमेश्वर प्लान बना सकता है तो लोग भी भेज सकता है। लेकिन परमेश्वर ने ये 120 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट जो समय है, इसमें मौका दिया लोगों को मन फिराने का, पर किसी ने नहीं फिराया सिवाय इस परिवार के, जिस परिवार को परमेश्वर ने ग्रांट दी है, आशीष दी है, अनुग्रह दिया है कि तेरे द्वारा बाकी सब होंगे। ठीक है, यहां ये सब कैसे हो रहा है? ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है, मीन्स समथिंग इज देयर पहले से उस बात को समझने के लिए। क्योंकि ये जो भी भविष्यवाणियां हो रही हैं, विदेशियों के लिए भी हो रही है, के लोगों के लिए हो रही है, उद्धार परमेश्वर ने जो रखा वो सबके लिए रखा है, छोड़ नहीं दिया है। जिनको नाश किया परमेश्वर ने, उनके लिए भी मौका था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आज आप और जो मैं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो बाद में कभी सुनेंगे, ये याद रखिए, परमेश्वर की ओर से मौका था, मौका है, शायद बहुत जल्दी ये मौका ना रहे। इसलिए अपने आप को आज ही प्रभु के हाथों में सौंपो। एंड आगे लिखा है इसका जो लास्ट पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ,
यर्मिया एक भावुक व्यक्ति था जो अपने लोगों को बेहद प्यार करता था और उनके विरुद्ध दंड की घोषणा करने की विवशता से वह नफरत करता था। मतलब जो सेवकाई यर्मिया को परमेश्वर ने दी थी उस सेवकाई से वो नफरत करता था। क्यों? क्योंकि उसका काम था ये बताना कि तुम्हारा नाश होगा। एंड ही वॉज एक्चुअली फुल ऑफ लव विद दीज पीपल इज़राइलाइट्स, यहूदियों के साथ, इसराइलियों के साथ उसका इतना प्रेम था बिकॉज देवर हीज ओन पीपल, उसके अपने लोग हैं, लोग मारे जाएंगे, लोग बर्बाद हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट ही वाज इन पेन एंड दैट्स मेक्स हिम टू क्राई अबाउट देम। इसी वजह से वो लोगों के लिए रोता था, परेशान होता था। एंड ही वाज नोन एज अ वीपिंग प्रॉफिट, ऐसा भविष्यद्वक्ता जो रोता हो। अगर आगे ध्यान दें तो दूसरी लाइन में लिखा, कई परिच्छेदों में वह भावुक, बहुत भावुक हो सकता थे कि उसे कितनी पीड़ा का अनुभव हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक नबी होने के लिए बुलाया था। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में आग के समान था। इसका मतलब यह है कि वचन ऐसा था आग के समान कि उसे प्रचार करना है, उसे बताना है और जोर से बताना है, सबको बताना है। हम जब मसीह में नए हैं और मसीह में हम वैसी तैयारी और आत्मिक रीति से तैयार होते हैं, तब हम आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल हैव सेम हार्ट। वो अपने दिल से, अपनी तकलीफ से जाते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं, बताते हैं, देख भाई मैं बच गया, तू बचे। और लोग विरोध करते हैं, नाम खराब करते हैं, धक्का देते हैं, बुराई बोलते हैं और हम विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक नबी होने के लिए बुलाया था, परमेश्वर का वचन उसके हृदय में आग के समान था, वह उसे दबा कर नहीं रख सकता था। इस पुस्तक के कुछ महान वचन यर्मिया के संकट भरे समय से परे उस दिन की ओर संकेत करते हैं जब तक एक नई वाचा बांधी जाएगी। इस नई वाचा का परमेश्वर के लोग बिना किसी शिक्षक की सहायता के पालन करेंगे, क्योंकि यह उनके हृदयों पर लिखी रहेगी। हालेलुया। हृदयों पर, किसके हृदयों पर? जो परमेश्वर का वचन सुनता है, जो मानता है। परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं चाहता, ही वॉन्ट्स योर अटेंशन, योर इम्पोर्टेंस टू हिम, योर रेवरेंस टू हिम। रेवरेंस का मतलब होता है आदर। ये आदर जो आपके मन में है ना, वही आदर परमेश्वर चाहता है कि तू मुझे दे, मेरा भाग तू मुझे दे। यीशु ने क्या कहा था? कहा, लोगों ने पूछा, गुरु तू हमें बता कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यीशु ने कहा, एक सिक्का मुझे दो। और जब सिक्का यीशु को दिया गया तो कहा कि इस पर तुम किसके छाप देखते हो? बोले, केसर की। तू जो केसर का है वो केसर को दो, और जो मन परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मैं जब इसके बारे में कह रहा हूँ, उसका अर्थ ये है, जो परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर की स्तुति है, वो परमेश्वर को दे दो भाई, और कुछ मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही चाहता है। हालेलुया। यू नो, अबंडेंट ग्रेस इज रियली बिग एंड गॉड इज देयर टू गिव यू, पर आप उसके लिए लेने के लिए तैयार होने चाहिए। समर्पित कीजिए अपने आप को और देखो परमेश्वर की महिमा को। आमेन। लेट्स प्रे। फादर लॉर्ड, थैंक यू योर मर्सी, योर ग्रेटनेस। प्रभु तेरे लोगों को आशीष कर, संगति कर, और प्रभु इस संगति को जो यहाँ हम कर रहे हैं इससे फलवंत कर, बलवंत कर, आशीषों से भर दे। तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो और प्रभु इनके परिश्रम का प्रतिफल तुमने दे। मसीह यीशु के नाम से दुआ प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।